वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सहारनपुर का देवबंद काफी सुर्खियों में रहता है। यहां पर बने नामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। अभी कुछ ही समय पहले ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में एटीएस सेंटर का शिलान्यास भी किया था, लेकिन अब देवबंद एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा में यहां पर बना मदरसा दारुल उलूम है। दरअसल यहां से एटीएस ने गुरुवार देर रात को एक बांग्लादेशी युवक को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि युवक फर्जी आईडी के जरिए यहां पर इस्लामिक शिक्षा ले रहा था। पकड़े गए छात्र का नाम तलहा तारुलदार बिन फारूक है, जो यहां अपनी पहचान छिपाकर 2015 से रह रहा था। मिल रही जानकारी के मुताबिक छात्र बांग्लादेश का रहने वाला है और फर्जी दस्तावेज के सहारे यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट, 2% बांग्लादेशी करेंसी, फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। बता यह भी जा रहा है कि छात्र ने पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग ले रखी है। एटीएस ने 2 लड़कों को उठाया था, लेकिन एक लड़के को पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया गया। वहीं तलहा ने अपने नाम से मेघालय का आधार कार्ड बनवा रखा था। वहीं अब दारुल उलूम देवबंद में दाखिले की प्रक्रिया अब बेहद सख्त हो गई है। यहां दाखिला चाहने वालों को न सिर्फ अब पहले से अधिक दस्तावेज देने होंगे, बल्कि उनकी जांच भी कराई जाएगी। इसके साथ ही सहारनपुर से आज एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां ईद से पहले जुमे की आखिरी नमाज थी और मुख्यमंत्री योगी के दरगाह के बाहर नमाज न पढ़ने के आदेश के बावजूद कुछ नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा किया, पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया और सड़क जाम कर अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। ये सब तब हुआ जब 2 दिन पहले ही हर जिले के जिलाधिकारियों ने ये सभी धार्मिक गुरुओं के साथ मीटिंग कर कह दिया था कि अब सड़क घेर कर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, अगर पढ़ी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सहारनपुर में इस हंगामे के बाद योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।